नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए रुक करते हैं आज की खबर की ओर। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह ठाकुर एवं जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष कमल सिंह पहलवान के नेतृत्व में तहसीलदार महोदय को सौंपा गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जाबर द्वारा किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें किसानों की विभिन्न मांगे जैसे सोयाबीन के भाव का समर्थन मूल्य 6000 रुपए से अधिक किया जाए, गेहूं का समर्थन मूल्य 3000 रुपए से अधिक किया जाए एवं बिजली बिलों की दरों में कमी की जाए। वहीं भाजपा सरकार में पूरे प्रदेश में महिलाओं एवं अबौध बालिकाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोका जाए जैसी विभिन्न मांगों का उल्लेख ज्ञापन में दिया था। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। अगर किसानों के हित में निर्णय नहीं लिया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है और आने वाले समय में ये किसान ही भाजपा सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगा। अभी मध्य प्रदेश की जो भाजपा सरकार है, सभी जगह पर सभी मुद्दों पर फेल है। अभी किसानों के सोयाबीन आ रहे हैं और सोयाबीन के भाव पिछले 10 वर्ष पूर्ण, मतलब पहले जो भाव थे और आज भी वही भाव है और उनकी लागत 4 गुनी बढ़ चुकी है। मेरा मुख्यमंत्री से यह निवेदन है, प्रधानमंत्री जी से और कृषि मंत्री जो कि अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, किसान के सोयाबीन 6000 से कम नहीं होना चाहिए, समर्थन मूल्य 6000 होना चाहिए। और अभी प्रदेश में आज अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और साथ में मध्य प्रदेश के अंदर सोयाबीन की फसलें खराब हो रही है, उनका सर्वे करवाना चाहिए। बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, गाँव में हर समय बिजली काटी जा रही है और किसानों से अवैध वसूली करी जा रही है और बिजली के बिलों में बहुत बेहतासा वृद्धि की गई है, उसे कम की जाए और बहुत सारे मुद्दे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। इन सभी मुद्दों पर हमने आज ज्ञापन दिया, इसमें संपूर्ण ब्लॉक कांग्रेस के लोग, वरिष्ठ जन, सभी युवा, सभी साथी सम्मिलित हुए। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 21।